सब्सक्राइब करें HVAC गाइडलाइन चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हाय दोस्तों, आज हम लोग डीपी स्विच के बारे में जानेंगे। डीपी स्विच बोले तो डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, ये HU में या जहां पर प्रेशर मेज़र करते हैं हम लोग वहाँ इसको यूज़ करते हैं। हम लोग जनरली इसको HU में यूज़ करते हैं। HU में दोनों साइड में यूज़ कर सकते हैं इसको, एक ब्लोअर साइड, डिस्चार्ज साइड और एक रिटर्न लाइन साइड, जिधर साइड में फ़िल्टर लगता है उधर साइड में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। गंदा हो गया या फिर कॉइल ब्लॉक हो गई या फिर ब्लोअर की स्पीड कम है, बेल्ट वगैरह टूट गया, तो ये हम लोग को डिस्प्ले करता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे इसके अंदर में कैसा कैसा काम करता है। और ये देखिए, ये पॉजिटिव प्रेशर है, ठीक है, और ये नेगेटिव प्रेशर है। ये दो लाइन होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अभी हम लोग इसका डायग्राम के बारे में जानेंगे कि इसके अंदर में ये इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखिए ये सेट पॉइंट है इसका ये देखिए एरो दिखा रहा है, ये सेट पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पर ये 900 पर हम लोग इसको सेट किए हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं। देखिए ये हनीवेल का है DPS 1000 पास्कल इसका यूनिट है पास्कल। ये देखिए हम लोग इसको रोटेट करके हम लोग इसका सेट पॉइंट जितना चाहिए हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। ये वन नंबर टर्मिनल है, ये टू नंबर है और ये थ्री नंबर है। वन नंबर और ये थ्री नंबर ये दोनों नॉर्मली क्लोज है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर 24 वोल्ट देते हैं तो हमें 24 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा, ये नॉर्मली पर। ठीक है, आप लोग यहाँ पर डायग्राम में भी देख लीजिए कि यहाँ पर वन एंड थ्री नॉर्मली क्लोज है और वन एंड टू नॉर्मली ओपन है। ठीक है, जब हम लोग का ये जैसे हम लोग यहाँ सेट किए हैं 400 पास्कल प्रेशर, जब ये 400 पास्कल प्रेशर आएगा इसके अंदर में तब ये NO हो जाएगा, नॉर्मली ओपन हो जाएगा और ये दोनों नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ का 24 वोल्ट यहाँ पर हम लोग को मिलेगा, ये 24 वोल्ट पर ये ऑपरेट होता है ये वाला DP स्विच। ठीक है, और हम लोग इसको यहाँ से भी ऐसे रोटेट करके हम लोग को जितना सेट पॉइंट चाहिए उतना हम लोग कर सकते हैं। इसका देखिए मिनिमम 200 पास्कल है और मैक्सिमम देखिए 1000 पास्कल है। देखिए 1000 पास्कल पर हम लोग इसको मैक्सिमम सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दिया हूँ कि HU में दो साइड में यूज़ कर सकते हैं, दो साइड में यूज़ करते हैं। एक ब्लोअर साइड में ब्लोअर का चेक करने के लिए, ब्लोअर की स्पीड चेक करने के लिए, दूसरा फिल्टर साइड में जिधर साइड में फ़िल्टर लगता है, इधर साइड से ब्लोअर रिटर्न लेता है उधर साइड में लगाते हैं कि फ़िल्टर अगर ब्लॉक लॉक तो नहीं है, ये सब चेक करने के लिए ये DP स्विच का यूज़ करते हैं HU में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका HU में। ठीक है भाई लोग, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।